क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना हुई जिसे देखकर दिल दहल जाएगा। बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हिट और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच मैच हुआ, जहां कैच पकड़ने के चक्कर में खतरनाक कंगारू खिलाड़ी बेन कटिंग कुंड से लथपथ हो गए। पहले बल्लेबाजी करने उतने ब्रिस्बेन हिट ने निर्धारित 20 ओवर में 44 रन बनाए। जब ब्रिस्बेन हिट की टीम की फील्डिंग के लिए उतरी तो पहले ओवर में मेलबर्न रेनेगेड्स के सलामी बल्लेबाज मार्कस हैरिस ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया। गेंद उनके बल्ले की पूरी तरह नहीं आई और हवा में चल गई। इस गेंद को पकड़ने के पहुंचे बेन कटिंग के हाथों से गेंद फिसलकर उनके माथे पर लग गई। गेंद लगने के बाद बेन कटिंग ने बॉल मैदान पर फेंका और खड़े हो गए। जैसे ही वो खड़े हो गए उनका माथा खून से लथपथ था। कटिंग इसके बाद मैदान से बाहर चल गए, लेकिन क्रिकेट खेलने के उनके जुनून के उन्हें मैदान पर फिर वापस आए। 6 ओवर के बाद कटिंग अपने माथे पर टाके लगाकर वापस मैदान पर लौटे, लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। मेलबर्न रेनेगेड्स ने 145 रनों के लक्ष्य को 15 ओवर के पूरा कर दिया। ब्रिस्बेन हिट के बाद बेन कटिंग के टाके वाली फोटो भी ऑफिशियल ट्विटर पर अकाउंट क्लियर की है। जैग न्यूज की रिपोर्ट।